हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ सी प्रोग्रामिंग। जैसा कि लास्ट वीडियोस में आपने समझा था कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है एंड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और आपने ये भी देखा था कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू बच्चों आप समझोगे कि उसमें से जो फर्स्ट ऑपरेटर मैंने बताया था कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, तो आप समझोगे अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में। बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है बच्चों, जो ऑलरेडी आप बचपन में आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, है ना, कि जो ऑपरेटर या जिस ऑपरेटर के हेल्प से बच्चों हम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर या अर्थमेटिकल ऑपरेटर, यानी जिसके हेल्प से हम अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करते हैं उसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है? सिंबल्स होता है, जैसे प्लस। प्लस का मतलब आप जानते हो कि ये एडिशन होता है, और जब भी हमें एडिशन करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं? प्लस सिंबल यूज करते हैं। सेकेंड बच्चों, हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। जब भी आप माइनस साइन देखते हो, इट मींस क्या होता है? ये इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन, है ना। नेक्स्ट है बच्चों एस्ट्रिक्स, यानी जब इसको देखते हो इट मींस आपको मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना होता है। इसका मतलब होता है बच्चों डिवीजन, और इसका मतलब होता है मॉडुलर डिवीजन। क्लियर है? सो आइए देखते हैं वन बाय वन। अब हम देखेंगे कुछ ऑपरेशंस के बारे में। जैसे इंटीजर अर्थमेटिक की बात करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास ए है और बी है, दो वेरिएबल्स हैं जिसमें वैल्यू ए में 14 है और बी में 4 है सपोज। तो हम यदि एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा? ए मीन्स क्या है बच्चों? 14 है। बी मीन्स कितना है? 4 है। तो 14 माइनस 4 कितना हो? 10। सो ये एक अर्थमेटिकल ऑपरेटर है जो कि माइनस यानी सब्ट्रैक्शन। ए प्लस बी मीन्स 14 प्लस 4, ये 18 हो जाएगा, मतलब एडिशन। ए इंटू बी मीन्स 14 × 5 मीन्स 56 हो जाएगा, ये भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। ए डिवाइडेड बी, अब इसमें देखिए इसका मतलब डिवीजन होता है बच्चों। डिवीजन कौन सा होता है ना, और इसका मतलब भी डिवीजन होता है, बट इसको कहते हैं मॉडुलर डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? मॉडुलर डिवीजन कहते हैं। और जब भी हम मॉडुलर डिवीजन, सपोज हमने यूज किया ए मॉडुलर डिवीजन बी, इट मीन्स क्या होगा बच्चों? ए का वैल्यू है 14, मॉडुलर डिवीजन 4। अब इसका मतलब यह है कि जब हम डिवाइड करेंगे 14 को 4 से, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर आएगा 2 बच्चों। क्या आएगा? 2। अब ये जो रिमाइंडर है वही इसका क्या होता है बच्चों? वैल्यू होता है, जो कि आएगा हमें 2, और इसको कहते हैं हम मॉडुलर डिवीजन या रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। और जब हम ए बाय बी करते हैं, इट मीन्स दैट 14 डिवाइडेड बाय 14, जस्ट 1 मिनट, 14 एन बाय बी करते हैं, इट मीन्स बी मीन्स हो गया बच्चों यहाँ पे बी का वैल्यू 4 है, तो कितना आएगा? तो ये हमेशा क्या देगा? आएगा एक्चुअली 3 पॉइंट समथिंग, बट ये डिवीजन हमें क्या देता है? इंटीजर डिवीजन है, और ये हमें देगा 3। क्या वैल्यू देगा बच्चों? 3। ऐसा क्यों है? ये डिवीजन 3 क्यों देगा? क्योंकि ए और बी दोनों आपका इंटीजर है। यदि इस दोनों में से कोई एक भी बच्चों फ्लोट वैल्यू हो गया तो ये हमेशा पॉइंट में वैल्यू देगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, यहां पे ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों कि जब हम मॉडुलर डिवीजन करते हैं तो यदि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक निगेटिव है तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा? तो यदि आपका न्यूमिनेटर निगेटिव है तो ये वैल्यू, इसका रिजल्ट भी निगेटिव में होगा। ठीक है, याद रखना है जब भी न्यूमिनेटर निगेटिव होगा तभी रिजल्ट निगेटिव, अगर न्यूमिनेटर पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग रियल नंबर टिप के बारे में। सो यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। अभी आपने इंटीजर पे देखा था, रियल नंबर में इस फ्लॉट और डबल की बात करते हैं। जैसे 56.5, यानी पॉइंट वाले जितने भी वैल्यूज होते हैं उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। और इसको, इसके दो कैटेगरी होते हैं, एक फ्लॉट होता है, डबल होता है। फ्लॉट का मतलब होता है बच्चों, एक और भी कैटेगरी होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं लॉन्ग डबल। क्या कहते हैं? लॉन्ग डबल, जस्ट 1 मिनट, इसको कहते हैं लॉन्ग
ठीक है बच्चों। और यहाँ पे यदि मान लीजिए x, y और z तीन वेरिएबल हमारे पास है, और ये x, y हमने डिवीजन किया है, तो अभी देखो इसमें दोनों के दोनों क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों फ्लोट टाइप के हैं, तो इसका रिजल्ट भी फ्लोट में होगा। दोनों फ्लोट टाइप के, रिजल्ट भी इसका फ्लोट होगा। दोनों फ्लोट टाइप का, रिजल्ट भी इसका फ्लोट। और ध्यान रखना ये जो ऑपरेटर है ओनली हम कैन नॉट बी यूज विद द रियल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये बच्चों मैं आप इस वीडियो के थ्रू समझा कि हमने अर्थमेटिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, इंटीजर पे कैसे यूज करते हैं और रियल नंबर पे कैसे यूज करते हैं। तो अगले वीडियो में आप बच्चों देखोगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कि क्या होता है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।